रेडी हो चुका हूँ, ये फाइनल लुक, और निकल रहा हूँ तो अभी पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद वेट रूम के लिए जाएंगे। वेट रूम के लिए मैंने बोल्ट से एक स्कूटर बुक किया है, तो जब भी आप थाईलैंड आओ ग्रैब, बोल्ट और क्लूब जैसे ऐप डाउनलोड करके आना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ निकल चुका हूँ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, फिर से खाने के लिए। What is this? Abhiketya bowl. Veg or non-veg? Yeah, Abhiketya bowl. 115 baht. 115 baht. Veg or non-veg? Vegetarian. Vegetarian? Yeah. English में समझ नहीं आ रहा इन्हें, Indian restaurant भी नहीं पता इनको, और veg है non-veg है ये देख के पता तो लग नहीं रहा था, तो मैं निकल गया। कल जिस रेस्टोरेंट में गया था उसमें नहीं जाऊंगा, दूसरी जगह जाके ट्राई करता हूँ। अभी आया हूँ टिक्का एंड टॉक रेस्टोरेंट में, अभी पनीर पराठा ऑर्डर किया विद कर्ड। पनीर पराठा अच्छा था, यहाँ पे भी स्वाद आपको इंडिया नहीं मिलेगा। ये है काउसन रोड का सुबह का नज़ारा, पूरा खाली है, रात को पूरा भर जाता है, आपने देखा ही होगा, पागल हो जाते हैं आदमी रात में यहाँ। यहाँ पे सबकी सुबह होती है 2-3 बजे दोपहर में, क्योंकि रात भर 4 बजे तक यहाँ पार्टी चलती है। ये ओल्ड टाउन जैसा लग रहा है। यहाँ पे सारे हिप्पी कल्चर्स के कपड़े मिल रहे हैं आप लड़के लड़कियों सबके लिए। बोर्ड से मैंने स्कूटी बुक की थी तो वो आ चुका है। हेयर भैया आ गए हैं। What a road, yeah, what a road. Okay. Okay. You pay cash or card? Cash. Okay. Yes. Here no helmet required for passengers. Hmm? No helmet required for passenger seats. कोई सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बोल्ट ऐप पे आप किसी भी लैंग्वेज से आप ड्राइवर से चैट कर सकते हो। How to say thank you in Thai? खापानी दिस सेम थैंक यू खापुन खाप खापुन खाप हां यस ओके खापुन खाप थैंक यू खापुन खाप। तो भैया 46 5 बात लगे मुझे यहां तक आने में। व्हाट अरुण का एंट्रेंस टिकट 200 बात पर पर्सन है, 200 थाई बात का टिकट लेके ये वट उनका वाटर बॉटल फ्री मिलता है, इस टिकट में इंक्लूड होता है। और ये है वट अरुण, ऐसा स्टैंप लगा देते हैं वो हाथ पे। तो हेयर द वट अरुण, यहाँ बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल अटायर में फोटो शूट करवा रहे हैं। ऊपर में भगवान इंद्र बैठे हुए यहाँ पे। आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत प्यारा है, क्या काम किया हुआ है देखो ऑफिस में। कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है हर एक पत्थर पे। यहाँ की हिस्ट्री तो पता नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे विजिट करने जरूर आए। वाटर रूम के पीछे ये ब्यूटीफुल सा गार्डन बना रखा है, ये यहाँ के किंग और क्वीन है।
सनसेट का टाइम है, क्या मस्त मज़ा आ रहा है। जस्ट इसके पीछे रिवर और यहाँ पे क्रूज पे आप डिनर कर सकते हो। एंड दैट्स देयर इज महानाकाओ स्काई वॉक, सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे थाईलैंड में। यहीं से मैंने ठट की बात का ये सिंगल जर्नी टिकट लिया है इस्कॉन सियाम के लिए, यहीं से फेरी आएगी और मैं इस्कॉन सियाम मॉल की तरफ चला जाऊँगा। तो बोर्ड पे आ चुका हूँ, अपर डेक पे ज्यादा भीड़ है, लोअर डेक पे पूरा खाली है। ये हमारी बोट थी और हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन सियाम मॉल, आइकन सियाम सॉरी। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, गुच्ची, लुई विटॉन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। क्या व्यू है यहाँ का, यहाँ पे वाटर फाउंटेन चालू हो चुका है। थोड़ा मॉल के अंदर जल्दी देख के आता हूँ, शाम होने वाली है। क्या मॉल है यार, क्या मॉल है। गुच्ची, डियोर, फैंडी, डॉल्ची गवाना, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। चलो और ऊपर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ एप्पल में, यहाँ एप्पल के रेट्स देखते हैं, लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो बहुत बड़ा मॉल है और ये देखो आदमी कहाँ पे खड़े हैं, वहां से मजे ले रहे हैं व्यू का। ये आ गया अपना H&M, यहाँ कुछ हो रहा है, जाके देखना पड़ेगा लगता है। मैं भी फटाफट सबसे ऊपर जाने के लिए सोच रहा हूँ, फटाफट जीने चढ़ता जा रहा हूँ, अभी क्या क्या आ रहा है रास्ते में वो देख भी नहीं रहा हूँ। सबसे ऊपर आ गया, पता ही चल रहा है कि वो व्यू कहाँ से जाना किधर है। दिख गया ये तसाना नाकोम टेरेस, यहीं से व्यू आएगा। वो फ्री एरिया नहीं था, वहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखा है उन्होंने, व्यू का चार्ज करते हैं प्रॉपर।
जितने भी डिनर क्रूज आप बुक करोगे सब आपको यहीं आइकन से एम्पायर से ही मिल जाएंगे। मैंने भी अभी बुक किया है मेरिडियन क्रूज। कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये यहाँ पे स्टारबक्स था। नीचे फाउंटेन भी चल रहा है अभी तक। तो हमने भी अभी मेरिडियन क्रूज बुक किया है डिनर के लिए, तो यहाँ का तो व्यू एंजॉय कर लिया, अब निकल रहे हैं। मॉल के नीचे पूरा मार्केट बना रखा है। सब्जी फल फूल सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ये बेसमेंट है आइकन सियाम मॉल का। मुझे तो एग्जिट ही नहीं मिल रहा था यार। अब ये पता नहीं एग्जिट है भी या नहीं। वो भी नहीं था एग्जिट यार। 15 मिनट बचे हैं मुझे वहाँ पहुँचना है वरना सिर्फ निकल जाएगी। ऊपर से नीचे आते ही यहाँ का नज़ारा ही बदल गया। तो भाई टाइम पे पहुँच गया, ये टिकट ले लिया। ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। हमारी भी क्रूज आ चुकी है। एंट्री हो चुकी है। नमस्ते। तो एंट्री हो चुकी है और वेलकम में अभी ये है। और यहाँ पे अभी म्यूजिक होगा। मैं आपको फूड ऑप्शन दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। फ्राइड चिकन, बेक पोटैटो, वेज नॉन वेज दोनों है। इस साइड वेजिटेरियन है सारा। खाना कितना उतना ले सकते हो। मैंने अभी थोड़ा खाया फिर लिया है। बाकी ये व्यू है और म्यूजिक चल रहा है। ये है अपर डेक। क्या मस्त नजारा है भाई। सब जगह क्रूज क्रूज क्रूज।
मजा आ जाएगा आपको, लाइव डांस, अच्छा खाना और थाई डांस भी आपको लाइव मिलेगी वहाँ पे देखने, तो मजा आ जाएगा यार। स्टार्टिंग प्राइस है टिकट की 3,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग हो जाएगी, तो एक बार ट्राई जरूर करें, मजा आएगा। तो 10 बजने वाले हैं, चाहता हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ अपने हॉस्टल। अभी गेट नंबर 7 से एग्जिट लेना है, वहाँ से मिलेगी टैक्सी जो भी है। I want to go Khaosan Road. Which exit I should take? Khaosan Road. Which exit I should take? Which one? Gate number? Yes, 7. Gate 7. Where it is? This way or this way? I have to go this way. तो मैंने यहाँ से अब राइड बुक की है, वो 100 बात की, जब मैं आया था उधर से तो कम लगा था, और इधर से 100 बात की है। रास्ते तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो आइकन सियाम से खाओसान रोड आने के लिए मैंने 100 बात पे की है। रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और मुझे भूख लग गई थी, तो मैं आ गया था इंडियन रेस्टोरेंट खाने के लिए अभी, तो खा के जस्ट निकला हूँ, तो हॉस्टल आ गया हूँ। फिर जल्दी से सोना है क्योंकि कल सुबह मेरी फ्लाइट है फुकेट के लिए, कम से कम 9 बजे मुझे यहाँ से निकल जाना है। तो मिलता हूँ कल सुबह, बाय।